हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर को मैं CSK और KKR के मैच के बारे में बात करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, बोरिंग जरूर कहूंगा, क्योंकि यार मैच में कुछ था नहीं। बहुत ही इजीली यहां पर को जीत गई CSK, और क्यों ना जीते यार, अपने घर में इनको हराना बहुत ज्यादा मतलब यार मुश्किल काम है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह की मतलब यार टीम चुन रखी है ना भाई, अपने घर को इन लोगों ने फोर्ट्रेस बना रखा है, पता है रियली में यार। सही में लोग बोलते हैं ना खाली में फोर्ट्रेस करके, मैं सही बता रहा हूं, जिस तरह के प्लेयर्स इनके पास है भाई, CSK को CSK में हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। RR और मुंबई को तुम एक्सेप्शन बन सकते हो। KKR का हाल कल बहुत ज्यादा बेकार रहा था, तो उसके बारे में डेफिनेटली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। देखो कल CSK वालों ने पहले टॉस जीता और उन लोगों ने बॉलिंग ली थी। पिच की कंडीशन में आपको बता देता हूं, पिच थोड़ा सा मतलब यार बड़ा था भाई, 70 से 80 मीटर की जो बाउंड्री थी वो स्ट्रेट में आपको देखने को मिली, इसीलिए आपको मतलब यार बहुत ज्यादा कल कैचेस होते हुए भी देखे। दूसरा ड्यू आने वाली थी, तो पहले जो बैटिंग करने वाला था ना उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब यार टफ होने वाला था। एक तो पिच स्लो साइड में लग रही थी, ऊपर से मतलब यार ड्यू आने वाली थी, तो जो भी पहले बैटिंग करता उसको बहुत बड़ा स्कोर डालना था। लेकिन KKR के बल्लेबाज ये करने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि तुषार देशपांडे ने भाई पहली बॉल पे विकेट ले लिया, फिल शॉट 0 रन बना के आउट हो गया। सुनील नारायण को मतलब यार हाथ में थोड़ी चोट वगैरह लगी, मे बी उस वजह से वो बंदा जल्दी आउट हो गया, लेकिन बंदे ने मतलब यार आउट होने से पहले पावर प्ले का तो यूज किया ही था। पावर प्ले खत्म होने के बाद इनका जो स्कोर था शायद 50 से ज्यादा था, तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने पावर प्ले का यूज किया। ऑल्दो मतलब यार 2 विकेट जल्दी खो दिए, सुनील नारायण भी आउट हो गया, फिल शॉट भी आउट हो गया। उसके बाद रघुवंशी भाई ने थोड़ा सा मतलब यार स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन यार ज्यादा रन ये भी नहीं बना पाया, 18 बॉलों में 24 रन। श्रेयस अय्यर पूरी इनिंग्स में मतलब यार स्ट्रगल ही करता रहा, आखिरी में एक दो शॉट्स उसने कनेक्ट किए, 32 बॉल में 34 रन बना रखे थे। अब देखो मैं जानता हूं मतलब यार आप में से बहुत लोग बोलोगे पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, बॉल बल्ले में आ नहीं रही थी, बाउंस थी वहां पर को थोड़ा सा, तो बल्लेबाजों के लिए पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा मतलब यार डिफिकल्ट हो रहा था, आई नो। लेकिन क्या मतलब यार CSK को इससे फर्क पड़ता है? नहीं भाई, क्योंकि ड्यू आने वाली थी तो झक मार के आपको यार रन बनाने ही पड़ने वाले थे। यहां पर जो इन लोगों ने मतलब यार 137 रन बनाए थे ना, वो किसी भी हाल में मतलब यार इनफ नहीं थे। CSK डेफिनेटली इस चीज को मतलब यार आराम से चेस कर लेने वाली थी, और हुआ भी यही। वेंकटेश अय्यर 3 रन में आउट हो गया, रमनदीप सिंह भी मतलब यार 12 बॉलों में 13 रन बना के आउट हो गया, रिंकू सिंह का कल आप लोग एक रेयर फेलियर मान के चल सकते हो, बिकॉज ये बंदा भी यार 14 बॉलों में 9 रन बना के आउट हो गया। रसेल भैया भी कुछ खास कर नहीं पाए, 10 बॉलों में 10 रन। लेकिन यहां पर को मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यार रसेल को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आनी चाहिए थी? आई मीन जिस टाइम पे को रिंकू सिंह बैटिंग करने आया ना, मैं चाहता था कि उस टाइम पे को यार अंदर रसेल आए, बिकॉज देखो इन लोगों को रन तो बनाने ही थे, कैसी भी कंडीशन हो, तुम्हारे कितने विकेट क्यों ना गिर गए हो, रन तो तुम्हें चाहिए थे, बिकॉज बाद में ड्यू आने वाली थी। तो वहां पर को इन लोगों ने जो रिंकू सिंह को भेजा ना, मुझे लगा कि यार वो थोड़ा सा डिफेंसिव मूव था, वहां पर को रसेल को भेजना चाहिए था। अगर वहां पर को पार्टनरशिप चाहिए थी तो रसेल से बोल लेते शुरुआत में मतलब यार आराम से खेल लेता, और वो बंदा बीच बीच में शॉट्स भी खेलते रहता, लेकिन वो लास्ट में आया, हर बॉल में बल्ला घुमाना था, और पिच मतलब यार इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, तो यार डेफिनेटली रन तो बनने वाले थे। तो ये मतलब यार मुझे कल बड़ा गंदा लगा, पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार CSK के घर में KKR वाले कुछ ज्यादा कर सकते थे। बॉलिंग देख लो, तुषार देशपांडे भाई डेल स्टेन टाइप की बॉलिंग कर रहा था, 4 ओवर में 33 रन दिए इस बंदे ने, 3 विकेट ये बंदा लेके गया। मुस्तफिजुर रहमान भाई हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है बंदा, 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट ये भी लेके गया। शार्दुल ठाकुर ने भी बहुत ज्यादा कमाल की बॉलिंग कराई, 3 ओवर में सिर्फ 27 रन, ठीक साना का तो भाई KKR वाले खेल ही नहीं पाए। मेरे ख्याल से मतलब यार जो KKR को सबसे बड़ा डेंट लगा ना वो CSK के स्पिनर्स ने दिया भाई, स्पिनर्स को तो मारा ही नहीं। जडेजा को देख लो, 4 ओवर में 18 रन 3 विकेट, इसके ओवर्स में ये लोग बिल्कुल भी नहीं मार पाए। ठीक साना का तो मैडन ओवर खेल ही दिया था वो वेंकटेश अय्यर ने, आखिरी बॉल में 1 रन ले लिया बोलो। तो मेरे ख्याल से KKR ने जिस तरह से CSK के स्पिनर्स को बहुत ज्यादा डिफेंसिवली खेला ना, उसने डेफिनेटली इन लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा। तो अब बात करते हैं CSK की बैटिंग की, जहां पर को यार इन लोगों को डेफिनेटली दिक्कत नहीं होने वाली थी। और फाइनली ऋतुराज गायकवाड़ यार अपनी वो जो क्लासी शॉट्स होती है उसको दिखाने में कामयाब रहा। इस बंदे ने बनाए 58 बॉल में 67 रन। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आज तुझे स्ट्राइक रेट नहीं दिख रहा है, आज स्ट्राइक रेट देखने वाली बात ही नहीं थी भाई, रन बॉल चाहिए था वहां पर को, क्या स्ट्राइक रेट, वहां पर को तुम लोग जिता के आ जाओ वही मतलब यार इनफ है। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरे ख्याल से उस हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल की इनिंग्स खेली, 58 बॉल में 67 रन, और जो मारता है ना बंदा कवर ड्राइव यार, एलिगेंट वाला यार, माय गॉड, मुझे तो बड़ा मजा आता है इसके मतलब यार ये चौके देखने में। रचिन रविंद्र ने मतलब यार पावर प्ले का थोड़ा सा यूज करने की कोशिश की थी, 8 बॉल में 15 रन बना के बंदा आउट हो गया। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अगर मतलब यार डेवन कॉनवे टीम में वापस आ गया ना तो इस बंदे को बाहर कर दिया जाएगा। और डेरिल मिचेल को जो कल इन लोगों ने यार ऊपर भेजा, मेरे ख्याल से CSK का ब्रिलियंट मूव था यार, कल सारी चीजें सही हुई है पता है CSK की तरफ से। इन लोगों ने मतलब जो प्लेइंग 11 खिलाई थी वो भी बहुत ज्यादा सही थी, पिछले मैच में इन लोगों ने शिवम दुबे को उतने ऊपर भेज दिया था, तो डेरिल मिचेल तो यार बहुत ही नीचे बैटिंग करने आया, फिनिश उस बंदे से होती नहीं है। लेकिन कल जो इस बंदे को ऊपर भेजा, स्पिन को इस बंदे ने मारा भी, मतलब यार नरीन को देखा होगा आपने क्या कमाल का आगे स्टेप आउट करके इस बंदे ने छक्का मारा, तो डेरिल मिचेल की जो जगह थी ना कल, मुझे लगा कि उसका जो एंट्री पॉइंट था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। शिवम दुबे ऑब्वियसली यार इस बंदे के तो क्या ही कहने भाई, 3 छक्के मार के गया बंदा कल भी, 18 बॉलों में 28 रन। मेरे ख्याल से जो ये चेपॉक है ना, यहां पर को ना एकमात्र शिवम दुबे ही ऐसा प्लेयर है जो ऐसी कंडीशंस में आगे भी मतलब यार छक्के मार के जा सकता था, और एग्जैक्टली इस बंदे ने यही किया। लेकिन
लेकिन थला के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ यार। देखो मतलब जब बहुत ज्यादा रन चाहिए होते हैं तब तो थला आते नहीं है, कल जीत ही गए थे और थला मतलब यार बैटिंग करने आ गए। आई जस्ट होप यार आने वाले मैचेस में भी वो अपने आपको जडेजा से ऊपर प्रमोट करे। तो यार सीएसके के लिए चेस करने जैसा कुछ था नहीं, 137 रन नहीं कर पाएंगे यार, उतनी ड्यू भी आ रही थी तो आराम से इन लोगों ने चेस कर दिया। केकेआर के बोलर्स को देख लो, मिचेल स्टार्क 3 ओवर में 29 रन, वैभव अरोड़ा ने अच्छी बोलिंग कराई यार, 4 ओवर में 28 रन से बंदा देके गया, 2 विकेट लेके गया। अनुकूल रॉय जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आया था, कुछ खास बोलिंग हुई नहीं। नरेंद्र ने 4 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट लेके गया। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बोलिंग कराई, 4 ओवर में 26 रन। और रसेल ने 1 ओवर में 8 रन, लेकिन यार इट वॉज नॉट इनफ बिकॉज यार ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। तो सीएसके वाले आराम से जीत गए थे यहाँ पर को, मतलब यार इन लोगों को थोड़ा भी अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। तो यार ये वाली मैच का रिव्यू बस इतना ही है, आई होप आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर को जाके ज्वाइन कर सकते हो। मीम देता हूं, अपडेट देता हूं, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं, जाओ भाई अभी ज्वाइन करो मेरे भाई।